अवांजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंथ लंडन। लुटोणिया लोठी थिया वतन मझ विसाल, अज अर तो अखी काक पिताऊं काल, वेई वेचारण विसरी सुभा जी संभाल, प्रिय खां पासे थिया मामुअन मिसाल, जानब जे जमाल रंगी पस रेटो कया। भलारे भिट धणी जे भलारे बैत सा मुझे ही आवाज़ मुसाफिर रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ता थी दुनिया जे कुंड कुड़छ ताई जैंजा माग बुधजे पियो उन्हें मिर्नी मेहरबान के सिख भरियो सलाम शाल कबूल पवे। ट्रेवी नोबर अंगारे जे डीह प्रोग्राम सोच विचार सान करे आऊं वहां जी खिदमत में हाजिर आवां जो पेंजो मेज़बान हबीब लगारी। प्रोग्राम जी शुरुआत में अवां लई इया ही दुआ त शाल जितो जो सुख सलामती साव जो कदें भी दुख्यो डीह न ॾिसो। जिंदगी जे हर पहर में पंज धरती धरती वासिन ले जा खोड़ींदा रहो त जीअं इनकलाब जो नओं सिज उभरी सके, त जीअं ॾुखनि जा सितारा हलिया वञनि ऐं सुखनि जा सवें सिज उभरनि। तोड़े जो चवण वारा चवनि था त वफ़ा तलाश न कर, वफ़ा किथे न रही आहे, पर पाण हमेशह वफ़ाउनि जा मुतलाशी रहिया आहियूं। दोस्तो मञूं था सुखनि जी सौदागरी वारे हिन सफ़र में पाण रूह जे रुमाल ते सुरकनि जा सितारा टांकिया आहिनि, पाण अखियुनि खे आगम जो आदि बि कयो आहे, पर दोस्तो पाण हमेशह साथ ऐं सहकार जा आदि रहिया आहियूं। पाण चाहियो आहे हीअ असांजा जो सफ़र सदाई जारी रहे ऐं पाण चाहियो आहे जेको साथ सलामत आहे उहो साथ सलामत हुजे। पर दोस्तो छा कजे विछोड़े जी वारदात दिल तां नेठि गुज़रे थी, जेको वजूद आयो आहे उहो नेठि फ़ानी थिए थो ऐं पोइ इहा ॻाल्हि बि सच साबित थिए थी, फ़ानी ॾे फ़ानी दुनिया दमन हिकिड़ो। बसि छा कजे वञी बचनि थियूं त यादगिरियूं ऐं वञी इहा ॻाल्हि रहे थी जीअं उस्ताद मिठूअ कच्छी जी इहा सदा कननि जा कंध लताड़ींदी हुई त मर्द तुंहिंजी का वञी बस ज़माने में ॻाल्हि रहंदी। सो दोस्तो ज़माने में त रुगो ॻाल्हियूं रहनि थियूं, उहे ॻाल्हियूं जेके रूह जे रुमाल ते टांकजी वञनि थियूं, उहे ॻाल्हियूं जिन में सचाई जा सॾु हुजनि था ऐं जिन में मुसलसल जदोजहद जो पैगाम हुजे थो, उहे ॻाल्हियूं जेके ईंदड़ नसल जे मुस्तक़बिल बाबति हुजनि थियूं। दोस्तो जिन जिन माण्हुनि बि पंहिंजो किरदारु अदा कयो आहे, जिन बि धरती लाइ जा खोड़ियो आहे, सच त इहो आहे जो उहे सदियुनि ताईं महफ़ूज़ थी वेंदा आहिनि। शाहपुर चाकर सां वास्तो रखंदड़ हर दिल अज़ीज़ सीनियर साफ़ी महफ़िलनि जो मोर ऐं सियासी समाजी अॻवान वफ़ा सिंधी बि काल ज़िंदगी जी जंग हाराए वञी ख़ाल खे हक़ीक़ी सां मिलियो। हूअ जंहिं बाबति जावेद ख़ासि खेली चए थो त वफ़ा सिंधी सां दोस्तानो नातो सिंधी शागिर्द तहरीक जे मर्कज़ी बाडी जे ॾींहनि खां जुड़ियो हो। वफ़ा हमेशह वफ़ा थी निभायो, असां तबियत जा सुस्त रफ़्तार ऐं हूअ असां खां अगरो, अॼु वफ़ा बेवफ़ा निकितो असांखे छॾे बिना मुलाक़ात जे मोकिलाए वियो। वफ़ा अवामी तहरीक खां अवामी जमहूरी पार्टी ताईं, सहाफ़त खां समाजी तौरु मुतहरक किरदार ताईं पंहिंजो पाण मल्हायो, असां खेसि सुर्ख सलाम पेश करियूं था। नामियारो लेखक ऐं शाइर डॉक्टर मुश्ताक फुल लिखे थो, वफ़ा किथे न रही आहे, वफ़ा तलाश न कर। मुतहरक सियासी समाजी कारकुन साफ़ी ऐं सिंधी अदबी संगत शाहपुर चाकर जो काउंसलर वफ़ा सिंधी वफ़ात करे वियो, ख़ुदा संस मगफ़िरत फ़रमाए। अब्दुल मजीद वफ़ा सिंधी न सिर्फ़ सियासी समाजी तौरु मुतहरक वतन दोस्त कारकुन ऐं अॻवान तौरु सुञातो वेंदो हो, पर हू सिंधी अदबी संगत शाहपुर चाकर जो रूह रवां पिणु रहियो। काल खां ख़बरूं मिलियूं पए त हू सख़्तु बीमारी वारी हालति मां गुज़री रहियो आहे। उन सिलसिले में संस नंबर ते रिंग कयमि त फ़ोन कंहिं घर भाती खईं, हाल अहवाल वठी वरी इंतिहाई निगदाश वारे शोबे ICU नवाबशाह में मौजूदु ड्यूटी डॉक्टर समेत ॿिए अमले सां बि ॻाल्हि ॿोल कयमि। मालूमात वठण बाद महसूसु कयमि त यारड़ो ज़िंदगी जी जंग विढ़ी रहियो आहे ऐं नेठि हूअ ज़िंदगी जी जंग हाराए वियो।
सांगड़ जो खूबसूरत लेखक मीर हसन मरी लिखे तो प्यारे वफा सिंधी की तबियत के हवाले से दोस्तों का जो खबरों मिली उतहा मायूसी वाली हुई। वफा से तालुक सियासी कारकुन वो रो बिन अलग पार्टियों में रही कर भी इज्जत वाले रिश्ते से गढ़ल रहासी। हमेशा तालुक निभाने वो यारी बाशी वो यार वेस मानू रो हमेशा वफा थी वफाऊँ क्यों। इन साल पंजे दोस्त अजीजन जहा एतरा तो वह दिना जो हाँ कें भी दोस्त की बीमारी जो बुधूँ था तो सवाए मायूसी की बी गाल समझ में ही नथी अचे। वफा सिंधी के लाड़ाणी से दुख जो इजहार कदें सारंग बपड़ चयो जिंदगी बेवफा है सिंध टीवी सत जो साथी निमाणो मानू। वफा सिंधी हमेशा लाए मोकलाए वो संस विछोड़े ते सजे सत सा ताजे त कजे थी दुआ है त खुदा संस मगफरत फरमाए जनतुल फिरदोस में जगह अता करे। ही असी भेटाउन जा गुलाब आछे रहासी खूबसूरत इंसान वफा सिंधी के संस विछोड़े थे। अमी बुधी रहा आयो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन अवे खिदमत में प्रोग्राम पेश कयो पे वे सोच विचार। सोच विचार के सफर में गो मेज़बान आया हबीब लगारी। प्रोग्राम सोच विचार में हाँ दुनिया जो वाव सवाव वठूँ था शामिल करूँ था कुछ खबरों उन्होंने कुछ विचार। महंगाई के मारियल आवाम मथा हुकूमती मेहरबान जो सिलसिलो अना भी जारी है। हुकूमत मुसलसल महंगाई में इजाफो कर रही है। हाँ जद IMF से नव मुहिदो किया है उन तहत हुकूमत के माहवार 4 रुपया पेट्रोलियम लेवी वधाइणी है। इन सिलसिले में नाणे वाले वजीर शौकत तरीन मुआदे जो ऐलान कदे है तो मुआदे तहत $1 अरब फराहम कया वा जडे त पेट्रोलियम लेवी में हर महीने 4 रुपया वाद समेत 5 अहम कदम खड़ना पवंदा। उन यो भी है तो असें पेट्रोलियम लेवी में 4 रुपया महीनों वाद करनी है तो जी उ 30 रुपया थी वे। मुआदे का पे यो इम्कान जाहिर किया पो वे तो हुकूमत पारा इम्कानी तौर हर महीने 4 रुपया फी लीटर से इजाफो किया जैसे कर यो इम्कान जाहिर किया पो वे तो जैसे पेट्रोल महंगो थी वो तो लाजमी तौर हर शघ बींदा। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ पली के दावा कई है तो शहीद नाजम जोखियो की बेवा शेरिन जोखियो के संस घर में कैद किया खेस कैसा भी मुलाकात कर पे डिनी वे। अड़ो इजहार उन काल लाहौर में कॉन्फ्रेंस के खिताब दौरान किया हो। उन शहीद नाजम जोखियो के भाव शेरिन जोखियो के डेर अफजल जोखियो के मैनेज किया शेरिन जोखियो पैं शहीद मुड़स जो केस पा विढ़ चाहे थी तर खे संदस घर में कैद किया। सिंधी असेंबली के ऐवान में अशर जकवात खाते के सवाल दौरान नजराने पेतियन में पवंदड़ सोन के मालिक जो तय न थी सघन जो इंकशाफ थो है। MPA हीर सोहो चयो तो 15 साल का मुख्तलिफ़ दरगाह के नजराने के पेतियन में रोक रकम से गड सोन भी पवे तो इन वक्त तिल सोन की मालियत जो काथो न लगाया वो है। उन मौके से सोन की मालियत जो काथो लगन ले जल्द कमेटी कायम करीर सो चयो तो नजराने के पेतियन में पवंदड़ सोन की नीलामी न कई वही है। हैदराबाद में बिल्डर माफिया तरफा मकामी मान के जबरी तौर बेघर करण वो सिलसिलो बंद न थो है। काल हैदराबाद के इलाके हाला नाके के गोठ अब्दुल्लाह चांग के रहवासन औरतन बार गरजी गोठ के कब्जे घर डाहण खिलाफ एहतजाजी रैली कढ़ी। गोठान शहबाज बिल्डिंग आदो एहतजाजी मुजाहरों कयो उन खां पोए हुनन हैदराबाद प्रेस क्लब अग्या धरणो पिण हयो। उन मौके ते अमरशी ठाकुर डॉक्टर हसन लिगारी मान सिंह ठाकुर अमरदास बिन चयो ता हाला नाको वेझो मुख्तलिफ गोठन में हजारे मानू अकलियती बिरादरियों सालन खां आबाद आहिन गोठन के खाली करण जो कोशिशूं तेज कयूं पियूं वञन जडहिं त आरिफ बिल्डर पंजे बासर मानू नासिर पठान से मिली करे गोठ अब्दुल्लाह चांग में असाजे ठाकुर पाड़े में
चार खां पंज घर डाहे छड़िया आहिनि जेका असां सां वॾी नाजाइज़ी आहे। हुन चयो त बिल्डर बासर ॻोठ ते कब्ज़ो करणु चाहे थो, नोटिस वरितो वञे। सिंधी असेंबली ग्रेटर थर कैनाल टू ऐं जलालपुर कैनाल जी अॾाव जे ख़िलाफ़ु ठहराउ अक्सरियत राय सां मंज़ूर करे वरिता। ठहराउ जाम खान शोरे पेश कयो, जंहिंमें चयो वियो त सिंध जी मुखालफ़त जे बावजूदि पंजाब में तकरारी कैनाल ठहिया पिया वञनि, अहिड़े क़दम सां सिंध सुकी वेंदी। ठहराउ जी मंज़ूरी जे मौक़े ते पीटीआई मेंबरनि एहतजाज कयो ऐं ऐवान में निकिरी विया, जॾहिं त MQM ऐं GDA मेंबरनि ठहराउ जी हिमायत कई। जाम खान शोरे चयो त PTI जा दोस्त केॾी अहम ठहराउ ते हलिया विया आहिनि, संस चवणु हो त असांजो दारो मदार पाणी ते आहे। हुन चयो त 1937 ते हिकु कामेटी ठही हुई, उन ते बि उहो हो त सिंध जी इजाज़ खां सवाइ सिंध जे पाणी ते कुझु न थींदो, पाणी जी एलोकेशन सेट थी हुई। पाकिस्तान ठहिण खां पोइ असां वटि ॿ बैराज ठहिया, उन जी अॾावत सियासी ठाहत थी, वनी उन वटि क़ाइमु थियण खां पोइ असांजी सूबाई हैसियत ख़तमु कई वई। असांजा टे दरिया दुश्मन मुल्क खे विकिरो करे ॾिना विया, हीअ तारीख़ जो कारो चिठो आहे, असांजी इजाज़त बिना उहे ॾिना विया। हुन चयो त फज़ल अकबर कमीशन ठहियो त उन ते इतफ़ाक़ न थी सघियो। 1991 ते पाणी मुआदो थिए थो, उन मुताबिक़ सिंध खे 48 MF मिलियो, उन वक़्तु चार वॾनि वज़ीरनि अरसा एक्ट ठाहियो, उन ते अमल करायो वञे। थरकोल में क़तल थियल पोरियत दोदो भील जे केस में संस फरियादी भाउ आलमचंद भील चयो आहे त आलमचंद चयो आहे त गुरबत ऐं केस विहण जेतिरो टाइम न हुजण करे जवाबदार धुर सां ठाह करण खे बहितर सम्झो। असां सोचियो त ठाह करण सां घटि में घटि दोदे जे ॿारनि खे फ़ाइदो थींदो। उन सिलसिले में गुज़िरियल ॾींहुं इस्लामकोट प्रेस क्लब जे साफ़ियुनि जी टीम मक़तूल दोदे भील जे तॾे ते पहुती, जिते दोदे जे भाउ आलम भील ऐं पीउ करनो भील सां मुलाक़ात कई वई। दोदे भील जी घरवारी सां साफ़ियुनि खे मिलणु न ॾिनो वियो। साफ़ियुनि जे ज़ोर भरण ते खेनि ॿुधायो वियो त दोदे जी घरवारी घर में मौजूदु न आहे ऐं हूअ बीमार आहे। जंहिं बाद दोदे भील जे केस में फरियादी भाउ आलमचंद भील साफ़ियुनि खे ॿुधायो त गुरबत ऐं केस वेहण जेतिरो टाइम न हुजण करे जवाबदार धुर सां ठाह करण खे बहितर सम्झो। जवाबदार काशिफ रज़ा जी फैमिली वारनि ठाह करण ते घणो ज़ोर भरियो। असां बि सोचियो त ठाह करण सां घटि में घटि दोदे जे ॿारनि खे फ़ाइदो थींदो। असांखे 1 करोड़ रुपया ॾियण जो आसिरो मिलियो, जंहिंमें मक़ामी वॾेरा ज़ामिन आहिनि। मूंखे सुनवाई दौरान कोर्ट ॿाहिरां 20 लख जो चेक ॾेखारियो वियो, पर असां चेक वठण खां इनकार कंदे 1 करोड़ गॾु ॾियण जी घुर कई। असांखे इहो ॿुधायो पियो वञे त दोदे जी घरवारी खे ताहियात पघार ऐं बाक़ी 5 घर भातियुनि खे नौकरियूं एंग्रो कंपनी ॾींदी। दोदे जे ॿारनि जी यूनिवर्सिटी ताईं पढ़ाई जो ख़र्चु बि एंग्रो कंपनी बर्दाश्त कंदी। केस वहण जेतिरी असां में ताक़त न आहे। अॻु में सिंध हुकूमत जेके 1 करोड़ रुपया ॾिना, उहे बि सुनवाइनि में ख़तमु थी विया आहिनि। हाणे हैदराबाद हर सुनवाई ते 20,000 भाड़े जा किथां वठी अचूं? उन्हीअ करे ठाह करे केस तां हथ खणी रहिया आहियूं। मक़तूल दोदे भाउ जी अमण साफ़ियुनि खे ॿुधायो त मूंसां ज़ुल्म थियो आहे, जिगर जो टुकड़ो खसियो वियो, हाणे जेको बि ठाह कनि मूंखे क़बूल आहे। बेदर्दी सां क़तल कयल गुलनि जहिड़े निगर काना कुमार जा क़ातल जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले कया विया। मुदसर मंगणहार ऐं इनाम शाह खे खैरपुर जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत में पेश कयो वियो। अदालत ॿिन्ही जवाबदारनि खे 7 ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते पुलिस सां हवाले करे छॾियो। जॾहिं त जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी 2 ॾींहं अॻु कई वई हुई। सिविल सोसाइटी जे सवें माण्हुनि हिंदू पाड़े खां बबरलो क़ौमी शाहराह ते पहुची एहतजाजी धरणो हयो ऐं उन्हनि मुतालबो कयो त जवाबदारनि खे फाही ॾिनी वञे। प्रोग्राम सोच वीचार में अवी ॿुधी रहिया हुआ ख़बरूं, ऐं हाणे शामिल करियूं था एडिटोरियल जेको लिखियो आहे सिंध एक्सप्रेस अख़बार, जंहिंजो उनवान आहे पाणी बदिरां ज़हर पीअंदड़ आवाम। पाकिस्तान जहिड़े मुल्क में हुकमरान कॾहिं ॾुखियो ॾींहुं नाहे ॾिठो ऐं आवाम कॾहिं सुख नाहे ॾिठो। उहे बुनियादी ज़रूरतूं जेके ॿियनि मुल्कनि आवाम खे बिना मुतालबे जे मिलंदियूं आहिनि, उन्हनि लाइ पाकिस्तान में एहतजाज करणो पवंदो आहे ऐं आवाम खे केतिरनि ई परेशानियुनि खे मुंहुं ॾियणो पवंदो आहे।
छाकाणि तव्हांखे गैस बिजली ऐं पीअण जे पाणी लाइ बि एहतजाज करणो पवंदो आहे। मुल्क में घणे भाङे पीअण जो पाणी अणलभ थी चुको आहे। शहरनि में जिते माण्हू पीअण जो गंदो पाणी वापराइण ते मजबूर आहिनि, उते बहराड़ियुनि में कहिड़ी हालति हूंदी उन जो अंदाज़ो लॻाइणु बिल्कुल बि ॾुखियो नाहे। छाकाणि त अॼु बि बहराड़ियुनि में माण्हू खूहनि ऐं तलाउ जो पाणी इस्तेमालु कनि था, पर का बि हुकूमत अवाम खे पीअण जो साफ़ शफ़ाफ़ पाणी फराहम करण लाइ तयारु नाहे। शहरनि में गटरनि ऐं पाणी जूं लाइनूं पाण में गॾियल आहिनि, जंहिंजे करे माण्हू गटरनि वारो पाणी पी रहिया आहिनि ऐं उन करे केतिरनि ई बीमारियुनि खे पिणु मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। पर हुकूमत जे कन ते जूं बि कान थी सुरे। ताज़ो ई पाणी जे हवाले सां जेका रिपोर्ट आई आहे उहा इंतिहाई अफ़सोसनाक आहे। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च उन वाटर बाबति जेका पंहिंजी ए रिपोर्ट ॾिनी आहे उन में चयो आहे त पाकिस्तान में 61% पीअण जो पाणी सिहत लाइ हानिकार आहे। उन ॾस में मालूम थियो आहे त पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर जी उन रिपोर्ट में ॿुधायो वियो आहे त ग़ैर महफ़ूज़ पाणी जे इस्तेमाल सां कैंसर जे केसनि में वाधि थी रही आहे। रिपोर्ट में कयल इनकशाफ़ मूजिबि पाकिस्तान में पीअण लाइ मौजूदु रुगो 39% पाणी महफ़ूज़ आहे, जॾहिं त 61% पाणी ग़ैर महफ़ूज़ आहे। इन हवाले सां वफ़ाक़ी वज़ीर असद उमर जो चवणु आहे त इस्लामाबाद में हर टे घर में कैंसर जो मरीज़ नज़र अची रहियो आहे, जंहिं सबबु पाणी में आर्सेनिक जी मौजूदगी थी सघे थी। हाणे जेकॾहिं आवाम खे पाणी पीअण जे करे कैंसर थी रहियो आहे त उन मां अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त ॿियूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं बीमारियूं हुजूं जेके आवाम खे न थींदियूं हुजूं। गुर्दनि ऐं पेट जे बीमारियुनि खां वठी ॿियूं अनेक बीमारियूं आहिनि जेके अॼु बि आवाम खे थी रहियूं आहिनि। आवाम पीअण जे पाणी जो बिल बि अदा करे थो पर उनखे साफ़ पाणी नथो मिले। उन खां सवाइ हू पंहिंजे खीसे मां पैसा भरे पाणी ख़रीद करे थो, पर उन जी कहिड़ी ज़मानत आहे त उहो पाणी बि साफ़ आहे ऐं सिहत लाइ हानिकार नाहे। पाणी हर इंसान जी बुनियादी ज़रूरत आहे, जंहिंजो साफ़ हुजणु लाज़मी आहे। पाणी हर इंसान जी ज़रूरत आहे ऐं उहा अहिड़ी ज़रूरत आहे जंहिंखां सवाइ हिकु ॾींहुं काटणु बि ॾुखियो आहे, पर हुकूमत मुल्क जी अधु खां वधीक आबादी खे पीअण जो साफ़ पाणी फराहम करण लाइ तयारु नाहे। इन हवाले सां रुगो इहो क़बूलु करणु त पाणी ख़राबु आहे ऐं पीअण लाइक़ु न आहे उन सां इहो मसइलो हल न थींदो, पर उनखे हल करण लाइ अमली तौरु उपाउ वठणा पवंदा। पाणी साफ़ करण जा अहिड़ा प्लांट लॻाइणा पवंदा जिन वसीले आवाम बीमारियुनि खां बची सघे। पाणी जे वहकरनि खे बहाल करणो पवंदो ऐं पाणी में गदलाण पैदा थियण जो सबबु थींदड़ समूरनि शयुनि खे पाणी खे खां बचाइणो पवंदो। असीं सम्झूं था त हीअ रिपोर्ट हुकमरान जूं अखियूं खोलण लाइ काफ़ी आहे, त उन जे कोताही सबबु आवाम ज़हर पीअण ते मजबूर आहे ऐं उहे कैंसर जहिड़े मुज़ी मर्ज़ में वकोड़जी रहिया आहिनि। जेकॾहिं अॼु बि हुकूमत आवाम खे साफ़ पाणी फराहम करण लाइ कंहिं बि तुर्त फ़ैसिला न कया त हिन वक़्तु 61% माण्हू ख़राबु पाणी पी रहिया आहिनि, अॻियां हली उहो 100% बि थी सघे थो। तंहिं करे महिरबानी करे आवाम खे साफ़ शिफ़ाफ़ पाणी फराहम कयो वञे त जीअं उहे बीमारियुनि खां बची सघनि ऐं सिहतमंद रहनि। हीअ असीं अवांजी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं एडिटोरियल जेको असां अवां लाइ चूंड कयो हो सिंध एक्सप्रेस अख़बार मां, जंहिंजो उनवान हो पाणी बदिरां ज़हर पीअंदड़ आवाम। पूंजराज केसराणी सुहिणी सलाह जे उनवान हेठि लिखे थो, अवां जो मुस्तक़बिल अवां जे हथनि में आहे। हक़ीक़त में ॾिसजे त माण्हू जेको कुझु करे थो सो पंहिंजे मुस्तक़बिल लाइ करे थो, उनखे उहो ई मिले थो जंहिं लाइ हूअ सची दिलि सां जाखोड़ करे थो। जेकॾहिं हूअ चङी थो करे त खेसि चङो फल मिलंदो ऐं जे ख़राबु कंदो त यकीननि फल बि ख़राब ई मिलंदो। मशहूरु चवणी आहे त जहिड़ी तव्हां पोख पोखींदो साई अवां लुणंदो। जे अवां बाझर पोखींदा त बाझर थींदी, गुआर पोखबी त गुआर थींदी, पर कणक कंहिं बि सूरत में न थींदी। बाक़ी कंहिंजे ख़्वाबु ॾिसण ते बंदिश विझी न थी सघिजे। ख़्वाबु भले ॾिसो, पंहिंजो पाण लाइ, पंहिंजी औलाद, पंहिंजे ख़ानदान, पंहिंजे ॻोठ, पंहिंजे सूबे ऐं पंहिंजे मुल्क जी तरक़ी लाइ ख़्वाबु ॾिसो। तरक़ी, खु़शहाली, तोड़े माली, मादी ऐं रुहानी ख़ुशियुनि जा ख़्वाब ॾिसणु घुरिजनि, पर पंहिंजे ख़्वाबनि खे साभ्या करण लाइ वॾी मनसूबाबंदी, जाखोड़ ऐं वॾी महिनत जी ज़रूरत हूंदी आहे। तंहिं करे हींअर ई संदड़ो ॿधी
पंहिंजे ख़्वाबनि खे हक़ीक़त जो रूप ॾियारण लाइ सही तरीक़े ऐं ईमानदारी सां धणी ते भरोसो रखी महिनत करणु शुरू करियो। अव्हां जी महिनत राइगा न वेंदी। हिमत मर्दान, मदद ख़ुदा। दरिया नदी खां पुछो, तुंहिंजी दिलि नाहे चवंदी त तूं बि समुंड जीअं बणिजी वञे, तूं बि वॾी बणिजी। नदी मुरकंदे वराणियो, वॾो थी खारो बणजण खां बहितर आहे त मां निढड़ी रहां पर मिठी त हुजां। दुनिया में ओके उहो लफ़्ज़ आहे जंहिंजो वाहिपो तक़रीबन हर ॿोली में आम थिए थो। माण्हू ॻाल्हि ॻाल्हि में उनजो इस्तेमालु कनि था, पढ़ियलनि सां गॾोगॾु अणपढ़ियलनि बि उनखे ॻाल्हाइनि था, जंहिंजो इज़हार मतिलबु सभु ठीकु आहे जो वरितो वञे थो। हीउ लफ़्ज़ पुराणी अंग्रेज़ी जे आल कोरेक्ट जे मख़फ़ आहे, जंहिंजी माना बि सभु ठीकु आहे ई आहे। 19वीं सदी जे विच में अमरीकी शहरनि होस्टन ऐं न्यूयॉर्क में गैर रिवायती लफ़्ज़नि जो इस्तेमालु आम हुयो ऐं वॾनि लफ़्ज़नि खे मुख़्तसर करे ॻाल्हाइण खे पसंदि कयो वेंदो हो। उन दौर में ई इहो लफ़्ज़ ख़तमु थींदो ओके वञी बचियो आहे। जेतोणीकि उन लफ़्ज़ जो सियासत सां त तालुक ख़तमु थी वियो आहे, पर सभु ठीकु आहे या ठीकु थियो जी माना में उन जो इस्तेमालु हाणे वॾे पैमाने ते कयो वञे थो। सिंध जो ख़ूबसूरत इनकलाबी शाइर गदा ख़ासखेली बीमारियुनि सां झेड़ींदे मुफ़लसी वारी ज़िंदगी गुज़ारे पियो। सच त इहो आहे जो संसि ज़िंदगीअ हालतुनि ॾाढी ॾुखी करे छॾी आहे। कुझु ॾींहं पहिरियां ख़ूबसूरत शाइर हाजी सां जी हिकु पोस्टर नज़र मां गुज़री, जंहिं लिखियो हो हीउ सिंध जो बाग़ी शाइर गदा ख़ासखेली आहे। हुन सॼी उमिरि गॾहनि ते ख़रकारियूं कयूं, हुन जे हॾ हॾ पोहरियन जो भॻल आहे। हुन जा सभु पुट बेरोज़गार आहिनि छो जो हू कंहिं भोताज जे दर ते कोन थो वञे। हुन फ़िक्र सैद जी चीत जो छलो हिन हाल में पहुचण बावजूदु गिरगिलो थियणु नाहे ॾिनो। हुनखे ख़बर आहे त सकाफ़त खाते में वेठल सिंध जो दानिश्वर शाइर वज़ीर हुन जी का बि मदद कोन कंदो, छो जो सिंध जो को बि वतन परस्त आर्टिस्ट हुनखे ॾिठो कोन वणे। पर हुन जा ज़ाती दोस्त इंडोलमेंट फंड मां शाह ख़र्चनि लाइ लखे रुपया तेगाए था वञनि। उन करे हुन सिधी तरह सिंध जे माण्हुनि खे मदद जी अपील कई आहे। छा सिंध पंहिंजे हिन बाग़ी ऐं आशिक शाइर जी सदा जो मान कोन रखंदी? मूंखे ख़बर आहे हुन जहिड़े ख़ुदार माण्हू जी हीअ अपील कंदे कहिड़ी हालति हूंदी। गदा ख़ासखेली जंहिंजे सिटनि में सुहाए बि आहे त इनकलाब जो पैगाम बि आहे। गदा लिखे थो, ॻंढियल आहे ॻंढियल रहंदो अज़ल ऐं अब्द जो रिश्तो। ॻंढियल आहे ॻंढियल रहंदो अज़ल ऐं अब्द जो रिश्तो। ॾुके थो वक़्तु घोड़े जां, न वरणो आहे विछोड़े जां। परियां मंज़िल जो छेड़ो आहे, अॻियां मक़्तल सां झेड़ो आहे। मां अहिड़ी राह जो राही जिते पटबी न आस साही। कॾहिं बरपुट कॾहिं बन में, कॾहिं खाना बदोशन में। मोहबत जो मां वणजारो, कविताउनि जो रेबारो। वॼाए जे वञा वारो, पुॼाणा मौत ए यारो। हज़ारे आरज़ूअनि मां, उमेदनि जे दरीचनि मां, रुगो आहे आरज़ू हिकिड़ी सनम दिलि जे लिखी छॾिजो। रुगो आहे आरज़ू हिकिड़ी सनम दिलि जी लिखी छॾिजो। क़बर मुंहिंजी ते हिकिड़ो लफ़्ज़ आज़ादी लिखी छॾिजो। क़बर मुंहिंजी ते हिकिड़ो लफ़्ज़ आज़ादी लिखी छॾिजो। गदा ख़ासखेली लिखे थो त मुर्की मथे ॾिठो थो तारनि में गुल टिड़ी पिया। मुर्की मथे ॾिठो थो तारनि में गुल टिड़ी पिया। ठाहे कंगो ॾिनो थो वारनि में गुल टिड़ी पिया। तस्वीर मुर्क वारी तुंहिंजी जॾहिं रखी मूं, घर जे भितियुनि छितियुनि ऐं जारनि में गुल टिड़ी पिया। तोलाए हसीन पारक वाटनि ते पोखिया मूं, ॻोढ़नि जी रेज ते ॾिस चारनि में गुल टिड़ी पिया। आमद करे गदा वटि वासे छॾी वणनि खे, सभिनी सुकनि थुड़नि ऐं ॾारनि में गुल टिड़ी पिया। पंहिंजी ख़ूबसूरत नज़म में गदा ख़ासखेली लिखे थो, कराची सिंध जो मर्कज़ ॿई मर्कज़ में छो वेंदी? कराची सिंध जो मर्कज़ ॿिए मर्कज़ में छो वेंदी? कराची सिंध खां ॿाहिरि न थियणी आहे न की थींदी। कराची साह खां प्यारी, कराची दिलि जी धड़कन आहे। कराची साण सभु ख़ुशियूं, कराची साण जीवन आहे। कराची सिंध जी शहरग कराची मिस्र ख़ुशबू आहे। कराची शहर वणजारनि ऐं वणजारनि सदी जूं आहे। कराची मोरड़ी मूंखे मतारनि जो ई माॻु आहे।
कराची सिंध के नक की फुली सिंध जो सुहाग है। दुनिया जो रंग तू जेके कराची सब संभाले थी, कराची भरम जो मरकज, कराची प्यार पाले थी। कराची सिंध में आहे, कराची साह सिवाणी, कराची जबल जी सरती, कराची समुंड जी राणी। कराची की जुदा थींदी जा रग रग में समाइला, कराची नाचणी मोहन जी पेरन जी त पाइला। कराची चाह तू अर्पियूं, कराची चाह चाग आहे, कराची सिंध जे नक जी फुली सिंध जो सुहाग आहे। ऐं हाणे अचो त खूबसूरत शायर गदा खासखेली खां संदसि शायरी ॿुधूं। केदा तू वेसाह विञाया, केदा कौल करार विचा तो, केदा तू वेसाह विञाया, केदा कौल करार विचा तो, बहरिया फाउन देशन खातर सिंधु जा सिंगार विचा तो, ज़ुल्फ़िकार आबाद जे नाले वेढ़ा ऐं बलहार विचा तो, इन खाग में वींदे वींदे दिंकी ऐं भंडार विचा तो, तोखे को अरगोल चऊं ऐं मलक रियाज़ के तातारी, तो सिंध खपाई ज़रदारी, तो सिंध खपाई ज़रदारी। तू पंहिंजी धरतीअ जो दुश्मन, तू भिट धणी जो मुनकरां, अग जेकी मीर ॿुधा हासूं, तू सादिकरां, तू जाफरां। हिन ॻाल्हि खे सभु को समझी वियो, तू कूड़ो आ, तू कायरां। तू पंहिंजी धरतीअ जो वेरी, तू नाऊ मल चनेसरां। मां कहिड़ा तोखे भेण ॾियां, ओ माउ जी थन जा वापारी, तो सिंध खपाई ज़रदारी, तो सिंध खपाई ज़रदारी। अॼु टाटन ते मां ताम कयो, मेहरान जी सारी वादी आहे हिन अॼु टाटन ते मां ताम कयो, मेहरान जी सारी वादी आहे। अॼु सिंधुअ जी छोली छोली ऐं लहर लहर फरियादी आहे। हिते तुंहिंजो वजूद तबाही आई, खून जे लाइ बर्बादी आहे। तो जमहूरियत जे नाले में कई जमहूरियत सां दादी आहे। तू कैंसर खां बि कोठी ऐं बेपीरी आहीं बीमारी, तो सिंध खपाई ज़रदारी, तो सिंध खपाई ज़रदारी। तो पूरा दर हयातीअ जा तू कासाई आहे जीवन जो, तो पूरा दर हयाती अजा तू का साई आ जीवन जो, तो पूरा दर हयाती अजा तू का साई आ जीवन जो, तो कुर्सी खातर ठा हकिया, तो लोढ़ो खून शहीदन जो, तू साथी कड़ियन धारन जो, हामी दहशत गर्दन जो, तो ॾाढा दोह कया आहिनि को देखो तो, ॾाढा दुख ॾिना आहिनि को लेखो नाहे सतमन जो, तो केदा दोह कया आहिनि तू पापन जीआ पाथारी, तो सिंध खपाई ज़रदारी। ऐं हाणे प्रोग्राम में वर्क वरायूं था होची मन जी आत्म कहाणी जा। अॼु असीं अव्हांजी ख़िदमत में पेश कंदासीं हिन किताब जी 13वीं ऐं आख़िरी किस्त। हीअ किताब ॾाहे मुहक़िक़ लेखक ऐं कुंभरस्त अॻवाण रसूल बख़्श पलीजे जो तर्जुमो कयलु आहे। अॼु असीं अव्हांजी ख़िदमत में पेश करे रहिया आहियूं हिन किताब जी 13वीं किस्त। लेफ्टिनेंट शाह जी दिलि ते मुंहिंजे ॻाल्हियुनि जो ॾाढो असरु थियो। खेसि केतिरा ॾींहं मूं वटि रहणो पियो। जॾहिं हालतूं साज़गार थियूं तॾहिं असां खेसि इज़त आबरू ऐं हिफ़ाज़त सां ससां अमरीकी दोस्तनि जे हवाले कयो। मोकिलाइण महिल लेफ्टिनेंट जी दिलि शुक्रगुज़ारी जे जज़्बे सां टिमटार हुई। ससां अखियुनि में समुझ ऐं अहसास जी चमक हुई। फ्रांस वियो त जापान आयो ऐं अटिकल 5 साल वियतनाम जी सरज़मीन ते कब्ज़ो करियो वेठो हुयो। पर असांजी आज़ादी जे मुजाहिद गोरीलनि जापानियुनि खे हिकिड़ो ॾींहुं बि आराम सां विहणु न ॾिनो। उहे मथनि ओचितो विज वांगुरु वञी कड़कंदा हुआ। सदन हथियारनि ऐं बारूदनि जे गोदामनि खे बाहियूं ॾींदा हुआ ऐं तमामु घणो नुक़सानु पहुचाईंदा हुआ। जापानियुनि जे ख़िलाफ़ु असांजे मुजाहिदनि जहिड़े नमूने जंग कई ऐं जहिड़े नमूने खेन नुक़सान रसायो, उन्हनि जो कुझु तफ़सील मूं हिकिड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में ॿुधायो आहे। उहे तफ़सील ॿुधी माण्हुनि वातनि में आङरियूं पइजी वियूं। कॾहिं कॾहिं त गोरीला मुजाहिद अकेले सिर सवन सिपाहियुनि खे मारे विझंदा हुआ। हिकिड़े भेरे हिकिड़ो गोरीलो मुजाहिद अकेले सिर हिकिड़ी राति हिकिड़े जापानी छावणी जी ख़बरचार वठणु वियो। उन छावणी में 500 खां मथे जापानी सिपाही मोर्चा ठाहे वेठा हुआ।
हिकड़े पहरेदार छावनी ते पहरो पे दिनो इतफाक सा हुनखे कह महल निंड वठी वई। गोरिले मुजाहिद जो वो सुनहरी वजह डिठो सो टिप दे खणी पहरेदार खे निड़ी ते नुह डिनाई खेस बुड़क बे बाहर कढ़ण नजनाए पोए खेस पूरो करे यकदम सस कपड़ा लाहे ऐं उहे कपड़ा पाण खणी पाताई। छावणी जे जापानिन खे ख़बर कान पई त मथर पहरो केरु पियो ॾिए, हूअ बेख़बर सुता पिया हुआ। गोरिले मुजाहिद अख छिंभ में छावणी जी चौधारी बारूद पखेड़े उन्हीं खे खणी बाह ॾिनी। ॾिसंदे ॾिसंदे सॼी छावणी हिकु धमाके सां उॾामी वई, के ॿ टे आङरनि ते ॻण जे तरह, के जापानी मस बचा। उहो हो बि हिकिड़ो निढड़ो मिसाल, पर अहिड़ा वाक़िया त रोज़ पिया थींदा हुआ। नेठि जापानी भॻा, पर जापानी व्याई मस्त, वरी फ्रेंचन अची ठकाव कयो, पर असां फ्रेंचन सां बि साॻिया हाल कया। आख़िरकार फ्रेंच जे वॾे वज़ीर मूंखे सुलह जे ॻाल्हियुनि लाइ पेरिस में सॾायो। आउं वियसि, ॻाल्हियूं ॿोलियूं थियूं, फ्रेंच वियतनाम ख़ाली करण लाइ तयारु थिया, पर वञणु वक़्तु असांजे मुल्क खे ॿिनि हिसनि में विरहाए छॾियाऊं। उतरे हिसे ते इनकलाबी आवाम जी हुकूमत जो झंडो फड़कणु लॻो, पर ॾाखिणो हिसो साम्राज्यनि जी साज़िश जो अॾो बणिजी वियो। मूंखे उतरे हिसे जो सदर चूंडियो वियो, पर ॾिसां पियो त अञा आसमान साफ़ नाहे, साम्राज्यनि सां अञा बि टकरु थींदो, ऐं तॾहिं नेठि वियतनाम खे मिलाए हिकु करे सघिबो। अञा असांजी राह उथा मुश्किलातूं ऐं मुसीबतूं आहिनि, पर मूं ऐं मुंहिंजे इनकलाबी क़ौम पंहिंजे कुल्हनि ते जेको आज़ादी जी हथियारबंद जदोजहद जो ॿार खयो आहे सो कोन छॾींदासूं। मूं सॼी हयाती जदोजहद में गुज़ारी आहे, पाण खे आवाम जे हक़नि लाइ वक़्फ़ करे छॾियो अथमि, ऐं ईंदड़ वक़्त में बि ईअं ई थींदो। मूं पंहिंजी ज़िंदगी में जेको रस्तो इख़्तियार कयो आहे, तंहिंतां तिर जेतिरो बि हटां सो सुवाल ई पैदा नथो थिए। मुंहिंजे रस्ते जी रुकावट मूंखे नओं विलविलो, नओं हौसलो ऐं नई हिमत बख़्शे थी। असांजो रस्तो बराबरि कंडण सां भरियो पियो आहे, पर मुंहिंजे बहादुर ऐं मज़लूम क़ौम ऐं उन जो इनकलाबी आवाम उन्हनि कंडण खे हिकिड़ो हिकिड़ो करे हटाए छॾींदा। फतह वियतनाम जी थींदी, फतह दुनिया जे समूरनि मज़लूम क़ौमनि ऐं मज़लूम तबक़नि जी थींदी। जबल मारे जख जो आॾो अजीबन खे तोड़े लुकर लख सत लंघजसि सिक मां। होची मन जी पाण लिखियल पंहिंजी कहाणी पूरी थी। हीअ असीं अवां जी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं होची मन जी आत्म कहाणी। ऐं हाणे प्रोग्राम में वर्क विरायूं था जग मशहूरु किताब सिंधु जूं सल्तनतूं जा। हीअ किताब नामियारी लेखिका एलाइस अल्बेनिया जो लिखियलु आहे, जंहिंजो सिंधी तर्जुमो कयो आहे मुज़फ़र बुख़ारी। अॼु असीं अवां जी ख़िदमत में पेश करे रहिया आहियूं हिन किताब जी 22 किस्त। सिंध जी हिकु ॿी औरत सुसुई, जेका पिणु लतीफ़ ऐं ॿिन्हिनि शाइरनि जो पसंदीदा किरदारु रही आहे ऐं हुनजो तालुक़ु बि सिंधु नदी सां आहे। हिकु हिंदू ॿारड़ी जेका दरिया में लुणंदी हिकु मुस्लमान धोबी खे हथ आई हुई ऐं हुन खेसि पंहिंजे औलाद वांगुरु पालियो हो। सुसुई जॾहिं जुवान थी त हिकु बलोच शहज़ादे पुनूअ जे इश्क में गिरफ़्तार थी वई। नेठि साणसि शादी कयाई। पुनू सरदार जो पुटु हो ऐं बलोचनि खे इहा शादी मंज़ूर न हुई। पुनू जा भाइर आया ऐं ठगी सां पुनू खे खणी हलिया विया। सुसुई सुतल हुई ऐं सुजाग थी त पुनू पासे में न हो। लतीफ़ सुसुई जे पहिरें उघाड़े बलोचिस्तान जे जाबलू इलाइक़े जे सफ़र खे सारायो आहे। हिकु अकेली औरत पहिरें उघाड़ी जबल जागी, उहा वाक़े हिमत जी ॻाल्हि आहे। सिंध में पंहिंजो घर छॾे हू उन सफ़र दौरान बलोचिस्तान में गुज़ारे वई। सिंधु नदी जे ओलह में वारियासन पटन ते तारनि वांगुरु 18 सदी जूं क़बरूं पखिड़ियल आहिनि, जिन मां घणियूं कलहुड़नि जूं आहिनि। कुझु संदन मुरीदनि टालपुरनि जूं आहिनि। उहे हेॾे रंग जा मुकबरा जिन जे मथां बसर जी ॻंढ जहिड़ा गुंबज़ ठहियल आहिनि ऐं सरणनि मीनारनि वारा उहे मुकबरा हाणे आहिस्ते आहिस्ते मिसार जी रहिया आहिनि। उहे मुनारा ॼण त आंगुर वांगुरु उभा हुजनि ऐं दिलकश नज़ारो पेश कनि था। कंहिं हद ताईं सिंध जी 18 सदी ईस्वी जे हालतुनि जा आकाश बि आहिनि। उहे एतिरो त परे आहिनि जो जेकॾहिं मूंसां गॾु मक़ामी स्कूल जो हेड मास्तर गॾु न हुजे हा त उन्हनि ताईं कॾहिं बि पहुची न सघां हा। ज़िले में हू वाहिद माण्हू हो जंहिंखे उहा सुध हुई त उहे मक़बरा किथे आहिनि।
उन्हनि जो हिकु ॿिए खां मुफ़ासिलो एतिरो त वधीक आहे जो उहे सभु मुक़बरा ॾिसण में मूंखे टे ॾींहं लॻी विया हुआ। अणंगे सफ़र दौरान ओचितो मुक़बरनि जो झुगटो नज़र अची थिए वियो। कुझु 5 फुट त कुझु 10 फुट ऐं के 20-30 फुट ऊचा गुंबज़ हुआ। हिकु तरफ़ नीरे आसमान ॾांहुं इशारा कंदड़ उहे मुक़बरा हुआ त उन जे चौधारी गोल पथरनि वांगुरु पखिड़ियल सवें नेढियूं क़बरूं ऐं पथर मां ठहियल निढा मुक़बरा हुआ। काफ़ी आगाटो उते जा रहवासी ऐं नहरी निज़ाम खां पोइ उन्हनि जाबलू इलाइक़नि जे पचर छॾे वञी बैराज जे वेझो आबाद थिया हुआ। उते पाणीअ ज़राइत में आसानी हुई। हाणे उन्हनि मुक़बरनि जे ओसे पासे का आबादी न हुई, बसि हर तरफ़ रेती भरिया पट हुआ। हेडमास्टर उन वारी ॾांहुं इशारो कंदे चयो, कंहिं ज़माने में हीउ इलाइक़ो इंतिहाई सरसब्ज़ ऐं ज़रख़ेज़ हो। हिकु हंधि हुन मूंखे मिटी जूं भिटूं ॾेखारींदे चयो हो, हीउ कलवड़नि जो पुराणो वाहन वारो सरिश्तो हो। कंहिं ज़माने में सॼे इलाइक़े खे ज़राइत लाइ पाणी फराहम कंदो हो, पर अॼु असीं उहो कुझु बि नथा करे सघूं जेको 18वीं सदी में कलवड़नि कयो हो। हू हेठि झुकियो ऐं वारी हथ में खणी चयो, हाणे हिते रुगो उठी गुज़ारो करे सघनि था। सहरा जी सख़्त गर्मी में सफ़र करे हिकु मज़ार ते पहुतासीं। जीअं ई अंदरि दाख़िल थियसि त कबूतरनि जी फड़फड़ मुंहिंजो इस्तक़बाल कयो। उन वक़्तु आउं सहकी रही हुयसि। अंदरि हर तरफ़ रंग पखिड़ियल हुआ ऐं ज़िंदगी नज़र आई। गोल दीवारनि गुंबज़ जे अंदरें हिसे ख़ूबसूरत गुलकारी थियल हुई। कुंडनि ऐं दरवाज़े जे मथां ॾाढ़ूं नासी रंग जा गुल ऐं अंबनि जे वणनि जा चिट चटियल हुआ, जिन में रसियल अंब बि नज़र अची रहिया हुआ। गुंबज़ नीरे ॻाढ़े ऐं साए रंग जे ख़ूबसूरत गुलनि में घिरियल हो। वणनि जे चिटनि जे ख़ाली हिसे में जानवरनि मच्छियुनि ऐं पखियुनि जा नक्शो हुआ। बग पखियुनि जी चूंब में मछी हुई। खजनि जे वणनि ते भोलड़ा ऐं चोपाए माल जा चिट हुआ। हर हिकु दीवार ते रंग ऐं रोगन जी मदद सां 18वीं सदी जी मंज़रकशी कई वई हुई। आम ज़िंदगी, तारीख़ ऐं समाजी ज़िंदगी जा मंज़र हुआ। मस्जिदूं, तस्बीहूं, वज़ू जूं जायूं ऐं रोलनि ते रखियल खुलियल क़ुरान शरीफ़, जिन जा अखर ॼण फिज़ा में उॾामी पाण पढ़ाए रहिया हुआ। उहे अहिड़ा नक्श हुआ जेके मज़हब जी निशानदही करे रहिया हुआ। घरेलू ज़िंदगी जा मंज़र बि हुआ। ज़ाल ऐं मुड़ुस खट ते वेठा हुआ। बिस्तरे जे हेठां तलवार ऐं पुराणे क़िस्म जी बंदूक रखियल नज़र अची रही हुई। मालिकाणी खे हिकु नौकरियाणी विजणी हणी रही हुई। उन सां गॾु ॿाहिरीं दुनिया जा बि मंज़र हुआ। सिंधु नदी में हिकु ॿेड़ी तरी रही हुई। जोधा जवान चीतन सां विढ़ी रहिया हुआ। हिकु उठ सहरा मां वेंदो ॾेखारियो वियो हो। मुक़बरनि मां हिकु जी दीवार ते शदीद जंग जो मंज़र ॾेखारियल हो, जंहिंमें हाथियुनि ऐं घोड़नि ते सवार वेढ़ाकनि जी वेढ़ांद ॾेखारियल हुई। हर तरफ़ पाणी जा वहिकिरा हुआ। जेको माण्हुनि ॿूटनि ऐं जानवरनि लाइ ज़िंदगी आहे। सेरा में उहे मुक़बरा हिकु अणॿुधी तंबीह करे रहिया हुआ, जंहिं मुल्क में ज़रख़ेज़ ज़रई ज़मीन तेज़ी सां सिमे कलर जे करे सुंड बणिजी रही हुई ऐं सेरा में लूणाठियूं दुबणियूं पैदा थी रहियूं हुयूं। दरिया वांगुरु मुक़बरनि जी हिफ़ाज़त जो बि को इंतिज़ाम थियल न हो ऐं हीअ अज़ीम सक़ाफ़त होरियां होरियां मिसारजी रही हुई। जेकॾहिं अहिड़ी कंहिं हसीन सक़ाफ़त जा उञाण यूरोप में हुजनि हा, त उहे मज़बूत सियाहती सनत जो दर्जो हासिलु करे चुका हुजनि हा। हिते उहे वीरान सेरा में मौजूदु हुआ ऐं गर्म वारी संदन हुसन ख़राबु करे रही हुई। कॾहिं कॾहिं कंहिं अहम मौक़े ते के माण्हू ईंदा हुआ, न त को सार लहण वारो कोन हो या कुअनि जा डर हुआ, या वरी कॾहिं के ख़ज़ाने जा गोलाऊ माल मिलण जी ग़लति फहमी में अची उहे क़बरूं खोटे बर्बादु करे छॾींदा हुआ। जॾहिं त उहा ॻाल्हि बिल्कुलु वाज़ आहे त कलोड़नि में लाशनि सां गॾु दौलत दफ़न करण जो बिल्कुलु रिवाज कोन हो। माण्हू जो इस्लामी तर्ज़ अमल बि बदिलजी चुको हो। इंसानियत बाबति तस्वर बि तब्दील थी चुका हुआ। 18वीं सदी में सिंध में इंसानी क़दरनि बाबति हिकु वाज़ह गणती मौजूदु हुई, जेका हाणे बिल्कुलु ख़तमु थी चुकी हुई। उन दौर में औरतनि ऐं मर्दनि में को घणो फ़र्क़ु न हो, पर बदक़िस्मती सां इस्लाम जूं पंहिंजी मर्ज़ी मुताबिक़ तशरीहूं कंदड़ औरतुनि ते पाबंदियूं हणी छॾियूं हुयूं। मुआशिरे मां औरत जी तस्वीर खे बिल्कुलु धार करण जी कोशिशि थी रही आहे। क़दीम अदावतूं तबाह थी रहियूं आहिनि। हर मज़ार, हर मुक़बरे, हर गुंबज़ में डार नज़र अची रहिया आहिनि। केतिरनि हंधनि ते उहे पट पइजी चुका आहिनि, के ॾही चुका ऐं के ॾहनि पिया। उन्हनि जी नज़रदारी लाइ बसि आसमान आहे। दीवारनि ते जेके बि चिट चिटियल हुआ, से घणो करे लतीफ़ जी शायरी जी तस्वीरी शिकिल हुआ।
सुसुई हिते पुनूले रिण जागींदे ॾेखारी वई हुई। सोणी घड़े ते दरिया पार वञण जी कोशिश करे रही हुई ऐं वाघू ऐं आदमखोर मच्छन जा कटक संस पीछो करे रहिया हुआ। दरिया जे हिकु कप ते संस मुड़ुस डम तेज़ी सां तस्बीह घुमाए रहियो हो त ॿिए पासे मेहन जे विच में संस प्रेमी मिहार बीठल हो। मूं अॼु हिते जेका गर्मी ॾिठी आहे उनखे नज़र में रखंदे मूंखे इहो चिटो अंदाज़ो थी वञे थो त सिंध में 18वीं सदी जा उहे रंग हाणे घणी देरि ताईं जटाव करे न सघंदा, बिल्कुलु अहिड़ी तरह ख़तमु थी वेंदा जीअं पलो हाणे गुम थी चुको आहे। शाह जे रिसाले जा उहे हक़ीक़ी रंग ज़माने जी बेक़दरी जो शिकार आहिनि। हाणे हर साल 18वीं सदी जा उहे मंज़र रुगो टिनि ॾींहनि लाइ भिटाए जे उर्स जे मौक़े ते नज़र अचनि था। मर्द ऐं औरतूं, ॻोठाणा, शहरी फनकार, सुनी, शिया, हिंदू ऐं मुसलमान सभु सिंध मां अची भिट शाह ते गॾु थियनि था। साल जी हर राति सिज लथे खां सिजो भरे ताईं मक़ामी फनकार शाह जो रिसालो ॻाईंदा रहनि था। लतीफ़ जी दरगाह जे अंगण में बैतनि वायन जूं उहे महफ़िलूं मतल रहनि थियूं। उर्स जे मौक़े ते भिट शाह जो ई निढड़ो ॻोठड़ो पंहिंजो ॿाहूं खोले हर पांधेड़े खे भलीकार चवे थो। हर को पंहिंजे खाधे पीते जो सामान पाण सां खणी अचे थो या मक़ामी सतह ते पाण बंदोबस्तु करे थो। कुझु त पंहिंजा तंबू ऐं पंहिंजे राशन सां गॾु पंहिंजा रागी बि आणनि था ऐं मच ते उहे महफ़िलूं मचनि थियूं। भिट शाह जी हर घटी, हर घर, हर कुंड कुर्छ में लतीफ़ वसंदो नज़र अचे थो। तंबूरो लतीफ़ जी ईजाद आहे ऐं उन ते वाई ॻाई वञे थी, जेका पिण शायरी जी सनफ़ में लतीफ़ जी ईजाद आहे। शाह जे सुरमिन खे हर को मर्द मौसीकार पंहिंजे अंदाज़ में ॻाए थो। फ़नी लिहाज़ खां उहे ॻाइण में ॾाढियूं ॾुखियूं आहिनि। उन में इस्तेमालु थियल सिंधी जा अहिड़ा त लफ़्ज़ आहिनि जेके ख़ुदि सिंधियुनि लाइ बि सम्झणु ॾुखिया आहिनि, पर उहे वायूं हर लिहाज़ खां मुकमिल नज़र अचनि थियूं ऐं इंतिहाई अदब ऐं ख़ुलूस सां ॻायूं वञनि थियूं। उहो अंदाज़ हर कंहिं लाइ उन्हनि खे आसान बणाए छॾे थो। आऊं सॼी राति मेले में घुमंदी रहियसि। हिकु हंधु मूंखे माण्हू जो मेड़ नज़र आयो। वेझो वञी ॾिठमि त खदड़ा पेरनि में छेरो ॿधे नची रहिया हुआ। आऊं बि उन मेड़ में शामिलु थी वियुसि, जिते हिकु फनकार अलगोज़ो वॼाए रहियो हो ऐं हिकु रागी लतीफ़ जा बैत चई रहियो हो। खदड़ा उन्हनि बैतनि खे नाच ऐं इशारनि सां वाज़ह करे रहिया हुआ। मिटी जे दीवारनि वारो उहो हंधु बेहो जिते लतीफ़ चिलो काटियो हो ऐं उते कारा कपड़ा पातल मक़ामी फनकार सुर सुहिणी ॻाए रहिया हुआ। सिजादा नशीन जी घरवारी घटी में टोलियुनि जी शिकल में केतिरा ई माण्हू चरस पी रहिया हुआ ऐं उन सां गॾु ख़बरनि चारनि जो सिलसिलो बि जारी हो। दरगाह जे आगुर में दोहल वॼी रहिया हुआ ऐं धमाल जारी हुई। भिट शाह ते तव्हांखे सिंधी मुआशिरे जो हर रंग नज़र ईंदो। उर्स जा उहे टे ॾींहं तव्हांखे हिते मुकमिल आज़ादी नज़र ईंदी। पाकिस्तान जे हेठिले अमीराणे समाज ऐं मज़हबी जबर ख़िलाफ़ मुकमिल बग़ावत ॾिसण में ईंदी। हर तरफ़ ख़ुशी नज़र ईंदी। उन जो वॾो कारण उहो बि आहे त मेले जो उहो इंतिज़ाम न सिजादा नशीन करे थो जीअं झोक में थिए थो ऐं नई सरकार करे थी जेका हिकु कुंड ते कुझु प्रोग्राम कंदी आहे, पर उहो इंतिज़ाम आम माण्हू कनि था ऐं हूअ उनखे वाक़ई रंगारंग बणाए छॾनि था। हर तरफ़ ख़ुशन भरियो माहौल नज़र अचे थो। मेले जी सुबुह ते सिजादा नशीन रिवायती पोशाक ओढ़े मज़ार ॾांहुं वधे थो त हर तरफ़ रोज़ राड़ो मची वञे थो। शाम जो सावा पटका पाए चापे ॾाढ़ी वारा नौजवान अलाहो कंदा मज़ार जे चौधारी जुड़ंदा नज़र अचनि था। राति जो देरि सां घुमंदे फिरंदे मूंखे मुगरमान दोहल जो आवाज़ु ॿुधण में आयो। अञा उन तरफ़ डोड़ण लॻियसि, ॾिठमि त मज़ार जे अंगण जी हिकु कुंड में थुल्हा मतारा शीदी नची टिपी रहिया हुआ। हुननि पाण सां गॾु काठ वारा दोहल बि आंदा हुआ ऐं दरगाह में आसानी सां अची वञी रहिया हुआ। सॼी सिंध हिते हुई ऐं हर कंहिं लाइ जाइ मौजूदु हुई। उहो नसली ऐं मज़हबी रिवायतुनि खां आजो भाईचारो यकीनी तौरु सिंध में नए उसरंदड़ बुनियाद प्रस्त वहाबी सोच जे मुंह ते चमाट हो। हिकु राति जो देरि सां मूंखे हिकु बलोच साफ़ी मिलियो। हुन चयो, आऊं हर साल हिते ईंदो आहियां ऐं पंहिंजे समूरे रुतबे ऐं मज़हब जे तइसुब ते ॿधल सोच कराची में छॾे ईंदो आहियां। हुन हिकु भेरे उर्स ते हिकु आर्टिकल बि लिखियो हो जंहिंजी पहिरीं सिट हुई मूं हिकु सुफ़ी बुज़ुर्ग जी मज़ार ते जिते शीअनि जो कब्ज़ो हो ठहियल हिकु सुनी फिरके जी मस्जिद में हिकु अछूत हिंदू कुटुंब खे सुतल ॾिठो। पोइ हुन मूंखे उहा मस्जिद बि ॾेखारी जंहिंमें वाकई उन वक़्त बि हिंदू अछूत तरसियल हुआ। ईअं महसूसु थी रहियो हो ॼण त
माणन कुछ वक्त लाए पंजो धर्मी सरगर्मी मोतल करे छड़ियो हुजन इबादत गाहूं पे परे परे खां कही आयल पांधियड़न के रहण लाए डेई छड़ियो हुजन। बी रात जो दरगाह के चौधारी घूमदे फिरंदे मुखे औकाफ खाते जो एक सरकारी कामरो मिलियो। हो नजराने की साई पेथी मां नजराने की रकम कढ़ी एक कुंड में वेही खामोशी से गणी रहो हो। नजराने की उन रकम में नोटन से गड गुलाब के गुलन जो गाढ़ियों पत्तियों भी शामिल हुई। वह रकम आयल पांधियड़न नजराने तौर पेथी में विधी हुई। उन कामरे मुख्य बुधायो तो जेकड़े उर्स के मौके ते घना पांधियड़ा अचन तो वह रकम 30 लखन ताई पहुंची वने थी। बी रात आऊँ शाह जो वायू गाईदड़ फकीरन के बुधण हली वियस सुबह ताई उते रही मोटी सैयदन की हवेली पहुंचस। लतीफ की औलाद के उन घर में मुख्य रहने लाई जाय डिनी वही हुई। सैयदाणियों अना ताई कारे लिबास में हुई छाकाण तो महरम जो महीनो मस खत्म थो हो। करबला के शहीदन के गम में खेन कारो वेस पेहरियल हो। हू कदें भी घर का बाहर न निकरंदियूं आहिन न ही कदें सफाई या रिद पचाव जो कम कंदियूं आहिन। वो समूरो कमकार संदन नौकरानियों कन थियूं। सैयदाणियों सजो डींहुं हिंदोर में वेही अगते पोते लुडंदियूं रहन थियूं या कचहरियुन में मसरूफ़ रहन थियूं। उहो वाकई अजीब आहे त घर जी चाण ते एॾो वॾो मेलो मतल हुजे औरतूं घर में रहण ते मजबूर हुजनि। पर उन बाबति मुजरे लतीफ़ जे ख़ानदान जे सैयदन सिजादा नशीन सां ॻाल्हायो तॾहिं ख़बर पई त हू पाण खे सूफ़ी नथा सम्झनि ऐं लतीफ़ बि संदन राय मुताबिक़ हर क़िस्म जे मतभेद खां आजो कामिल सूफ़ी न हो। हुननि मुताबिक़ लतीफ़ निज निबार शीओ हो। कुझु त अहिड़ा बि हुआ जेके उर्स खे बि तकरारी सम्झंदा हुआ। लिखियो पढ़ियो तबिको जेको उर्स में शरीक थिए थो सो लतीफ़ खे शाइर सम्झे थो। सिंधी अक्सर आबादी लतीफ़ खे ऐं संस शाइरी खे मज़हबी भाईचारे जो आलमी आवाज़ु सम्झे थी ऐं सिंध जो आवाज़ु क़रार ॾिए थी। सिजादा नशीन जी नज़र में शाह जो रिसालो क़ुरान शरीफ़ जो सिंधी तर्जुमो आहे ऐं धर्मी हैसियत रखे थो। सोच जो इहो तज़ाद मूंखे सिजादा नशीन जे घर में बि नज़र आयो। मुसलमान अक्सर क़ुरान शरीफ़ खे एतराम तौर ॿियनि किताबनि खां धार करे अलॻि जाइ ते रखनि था, पर सिजादा नशीन जे घर में मूंखे शाह जो रिसालो क़ुरान शरीफ़ खां अलॻि रखियल नज़र आयो। धर्मी किताब ऐं शाह जो रिसालो ख़ूबसूरत चमकीली कपिड़े में वेढ़ियल हुआ। बिल्कुलु ईअं जीअं कृष्ण जी मूर्ति खे ख़ूबसूरत कपिड़े में वेढ़े हिंदोरे में लोॾियो वेंदो आहे। लतीफ़ खणी छा बि हुजे पर संस रिसालो कंहिं बि क़िस्म जे कटरपणे खां बिल्कुलु आजो आहे। उन में अहिड़ो मवादु आहे जंहिंखे सूफ़ी शिया ऐं सुनी पंहिंजो आवाज़ु क़रार ॾियनि था, मतिलबु जेको जॾहिं छिके ऊंझो नज़र अचे थो। उन में शक न आहे त उहो हिकु मुसलमान जो रिसालो आहे, पर उनखे कंहिं बि हिकु धुर जो चवणु बिल्कुलु ईअं मुनासिबु न थींदो जंहिं शेक्सपियर जे कंहिं ड्रामे खे ईसाई जो नालो ॾियणु मुनासिबु न आहे। जंहिं शेक्सपियर खे प्रोटेस्टेंट कैथोलिक दोहरियो ऐं रोमानवी मुहबत जो ख़ालिक सम्झो वञे थो, बिल्कुलु अहिड़ी तरह मशहूरु तारीख़दान हसामुद्दीन राशिदी बि शाह साईं बाबति अहिड़ो ई अंदाज़ इख़्तियार करे थो। हू चवे थो शाह सूफ़ियुनि जो सरताज हो, शाह लोक शाइर हो, शाह रागन जो माहिर हो, शाह मुहब वतन हो, शाह कांग्रेसी हो, शाह मुस्लिम लीगी हो, शाह रूमी हो, शाह गोटी हो, मुख़्तसर इहो त शाह हर मर्ज़ जी दवा हो। हीअ अवीं ॿुधी रहिया हुआ जग मशहूरु किताब सिंधु जो सल्तनतूं जी 22 किस्त। इन ते ई प्रोग्राम सोच वीचार जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे इन साॻी दुआ सां ॾींदा इजाज़त। वसे भिट तुंहिंजी भलारा सदा सदा, देस परदेस सारा वसन। कॾहिं सींद सिंधी न मेरी थिए, कॾहिं मोड़ कंहिंजा न मुरछाइजनि। दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो। सिंध जो कौमी आवाज रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पांजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक्तिसादियात, तारीख, कौमी उमंगुन ए इखलाकियात मुतालिक सिंध जी हकीकी तर्जमानी कंदे
प्रोग्रामन के असरायतो बनाने लाए सिंध जे घण घुरन ए धरती से प्यार कंदड़ अदीबन दानिश्वरन सहाफिन उस्तादन वकीलन ए हर तबके जे मानवारन सजनन के सिंध में शौरी इनकलाब लाए सहकार जो सद दियूं था। अचो त गजी सूफिन ए संतन वारी सिंध जो ओज एक मुठ थी वरी वापस आने वाले सफर जा साथारी बन जाऊं। एक नए सुबह की शुरुआत जो पड़ाडो घर घर गोठ गोठ शहर शहर ताई पहुंचायो शाल सिंध आबाद खुशहाल थिए सिंधी मानू सुखियो सतावो थिए।